इस डिवाइस को न्यूटन क्रेडल कहते हैं हिंदी में न्यूटन का पालना कहते हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ हम पहले एक बॉल को मोशन देते हैं और देखते हैं कि यह बॉल रेस्ट में आ जाती है और केवल एक लास्ट बॉल मोशन में आती है सवाल यह है कि केवल एक बॉल ही मोशन में क्यों आई बाकी की बॉल्स मोशन में क्यों नहीं आई तो इसको समझने के लिए कोलिजन को समझते हैं कोलिजन दो टाइप के होते हैं इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन में टोटल मोमेंटम ऑफ दी सिस्टम और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी सिस्टम कंजर्व रहनी चाहिए इन इलास्टिक कोलिजन में केवल टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है तो न्यूटन्स क्रैटल हमको इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल देता है कोलिजन से पहले एक बॉल मोशन में थी मतलब टोटल मूवमेंटम एम भी था कॉनेटिक एनर्जी हाफ बी स्क्वायर थी कोलिजन के बाद भी मूवमेंटम एम भी रहना चाहिए और कॉनेटिक एनर्जी हाफ बी स्क्वायर रहनी चाहिए इसी वजह से केवल एक बॉल मोशन में आई